छोटे छोटे पीस होते हैं भंडारी ऐसे करके खा रहा है, ये देखो खा रहे हैं पनीर के पीस मोटे मोटे, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक नंबर शायद ओ भाई पंकज भैया डांस कर रहे हैं वहां पे नाचना की शुरुआत हो रही है भाई साहब इस वाली जगह से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है तुम्हारा हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई साहब इस वाली जगह से, देख सकते हो भंडारी सर क्या कर रहे हैं, हेलमेट लगा के फुल प्रोटेक्शन है। तो ये भर रहा है अपना डब्बा, और आज मुझे सीन कुछ ख़राब लग रहा है, डब्बा शब्बा लीक तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो भाई ये डब्बा भर जाएगा अपना कैंपर, तो हम निकलेंगे यहाँ से भाई। तो आज पता नहीं क्या बनाने वाले हैं, अभी पता नहीं है कुछ। तो बाकी ये देखो लोंडा अपनी शक्ल भी नहीं दिखा रहा है भाई, ये देखो वाइजर चेंज कराएंगे हम हेलमेट का, अब जल्दी से जल्दी देख सकते हो यहाँ से हम करते हैं व्लॉग स्टार्ट। तो मिलते हैं आगे जाके। तो भाई अभी हम कुछ इस तरह की लोकेशन पे, सिर्फ मैं पहुँचा हूँ इस तरह की लोकेशन पे, क्योंकि अपने यार दोस्त वगैरह ऊपर हैं सारे के सारे। तो भाई देख सकते हो क्या लोकेशन है, एक नंबर भाई। ये भी जम्मू में हिडन है भाई, किसी को नहीं पता होगी ये हिडन है, हिडन देख लो इस लोकेशन में। मुझे नहीं लगता भाई कोई आया होगा, ये देखो भाई अभी डिसाइड कुछ नहीं हो रहा कि इस तरफ आना है या उस वाले पहाड़ पे जाना है, अभी कुछ समझ नहीं आ रही है, डिसाइड करते हैं। तुम सबको फुल पावर में बताऊंगा भाई कि क्या रोल है। पंकज भैया डिसाइड किया वो वाली जगह, देखो पंकज भैया ऊपर चढ़े हैं। पंकज ओ भाई पंकज भैया डांस कर रहे हैं वहाँ पे, भाई पंकज भैया कर रहे हैं वहाँ डांस। अभी थोड़ा माइंड सेट बना रहा हूँ क्या करूँ, समझ आता तुम सबको ज़रूर बताऊँगा भाई, देखते हैं अभी क्या बनता है। फिलहाल तो अभी हम इस तरह की लोकेशन पर पहुँच चुके हैं भाई, देखो पीछे से कितना सुंदर दिख रहा है। सक्षम भैया कहाँ जा रहे हो? सबसे पहले आपको जंगल में आके थोड़ा सा लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ेगा, जो आज हम लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, फिर भी हम ढूंढ रहे हैं, नए पेड़ नहीं तोड़ते हम, पुरानी लकड़ियाँ मिलती हैं वही कैरी करते हैं। ये भाई एक और मिल गया इसके साथ। अभी देख सकते हो भाई कौन से जंगल में है तुम्हारा भाई फुल पावर में। मौसम बहुत प्यारा है यार यहाँ का, एक नंबर वाला मौसम है कसम से बोल रहा हूँ। अभी मैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ, सो लकड़ियाँ थोड़ी सी मिल गई हैं, इसको ले चलते हैं पीछे पीछे लकड़ियाँ। तुम लोग सोचते होंगे भाई हम शहर में रहने वाले लूंडे हैं, तो ये ऐसा क्रेज़ कहाँ से आया? बस बोलते हैं ना लाइफ में हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहिए, वही हालात है भाई लाइफ में, हर चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अपने लूंडे लोग बहुत प्यारे दोस्त हैं भाई अपने सारे के सारे, बस थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं कभी लाइफ में, उसको सुधार लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस बात पे गौर फरमाइए। तो भाई आज की लोकेशन है हमारी, दिखाता हूँ आज को, आज की लोकेशन तुम्हें दिखाता हूँ मैं, रुको एक मिनट, आज की लोकेशन दिखाता हूँ भाई। यह भाई आज की लोकेशन। पंकज भैया हाउ आर यू, क्या हाल है भाई? और भाई क्या हाल है? तो भाई आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं खाने पीने का सामग्रियाँ, ये हमारा पतीला, ये डॉन साहब, ये देख सकते हो भाई पनीर कट रहा है अपना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सक्षम भैया ये क्यों बोला? ये भैया ने दुकान खोली है केक की, पता नहीं है पनीर केक है ये, गोजरों का केक है, बोलो बोलो। तो भाई ये देख सकते हो पेड़ पे आपने बड़े फ्रूट्स वगैरह लगते देखे होंगे आज तक लाइफ में, तो आज पहली बार आप देखोगे टमाटर भी पेड़ पे लगते हैं यार, आप देखोगे कटा कटाया आसमान पेड़ पे लटका हुआ है। भंडारी सर कहाँ पे है वो पेड़? ये देखो भाई ब्रेडे पेड़ पे उग रही है, मैगी पेड़ पे उग रही है, बाकी टमाटर प्याज तो पेड़ पे ही लगते हैं। मंगे भैया मसाला ही है भाई, लड रहे क्या हाल है? हाल वो जड़ा कल हा, क्या हाल है पहले सुना, क्या हाल है? बस बढ़िया भाई, भाई मैं थोड़ा सा पानी। और तू सुनाओ मंगे भैया क्या बनने, सक्षम भैया क्या बनने जा रहा है? मास्टर शेफ पनीर, ये कौन सा पनीर बोलते हैं इसको सक्षम भैया? चिल्ली पनीर भाई, जिसमें चिल्ली नहीं डाली थी। और ये देखो तेल हमारा पक गया हुआ है, हरी मिर्च पाओ, पानी पा। खा रहे हैं पनीर के पीस मोटे मोटे छोटे छोटे, और लोंडे देखो वेट कर रहे हैं खाने का, लाइन लगा के बैठे हैं, देखो 1 2 3। ओ
गाइस अभी हम जा रहे हैं लकड़ियां तोड़ने के लिए और हमारे कुछ पनीर के 5-6 पीस तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हो भंडारी सर जो मैगी आ रही है ना इसके नीचे जो छोटे छोटे पीस होते हैं भंडारी ये ऐसे करके खा रहा है। ये देखो 10 मैगी है और 10 की 10 निकाल निकाल के खाई है इस बंदे ने। भंडारी स्वाद है ये लास्ट वाली थी। गाइस तो अभी हमारी मैगी बनने जा रही है पहाड़ों वाली मैगी जो पहाड़ों में बनती है मैगी। सबसे पहले मैगी में आएगा क्या आएगा सचिन भैया? ये देखो पनीर तैयार है। हाय हाय सबसे पहले मैगी में क्या आएगा? चलो इसी उधर रखो मटर भी ले जाओ नहीं मैगी में आएगा सबसे पहले प्याज 3.5 किलो प्याज जा रहा है मैगी में। ये हो गया भाई मिक्स अपना पतंजलि का माल डाल दिया भाई। क्या ये सीक्रेट मसाले? तो भाई ये आ गई मैगी अपनी। मैगी जा रही है मीठी मीठी आग के अंदर। मैगी चूल्हे वाली मैगी है भाई। अब बैठ जाता हूँ मैं भाई। ये देखो भाई कितने पैकेट है लड्डू भैया? 10 पैकेट मैगी है भाई। शेफ आपको पता है अपने एक और ये 2 शेफ हैं मेन, बाकी तो सब लस्सी हैं बंदे जिसमें मैं भी इंक्लूड होता हूँ। ये भाई हो गई मैगी रेडी। अभी थोड़ी देर में होगी तैयार फिर खाएंगे मैगी भाई। शानदार मैगी खूबसूरत नज़ारे के साथ बहुत ही अच्छा व्यू है यार। जगह चेंज की इस बार सक्षम भैया बोल रहे थे भाई। सक्षम भैया बोल रहे थे जगह नहीं चेंज करनी है भाई। इस बार हमने जगह चेंज की है थोड़ा अच्छा लग रहा है। मौसम भी अच्छा है भगवान ने भी मौसम अच्छा कर दिया। और लाडर मारा गया सारा। पनीर खड़ा मैगी मसाले फ्लेवर वैसे सुन रहे हो? मैगी हो गई है तैयार। ये देखो पनीर के कितने कितने पीस है। आए हाय हाय लाओ बैठ जाओ भाई लेते पाओ। हां जी खाते जाओ रोल पे ब्रेड ले। ब्रेड ब्रेड तो भाई मैगी है बोल रही है सर्व। देख सकते हो पनीर के पीस कितने बड़े बड़े हैं। बड़े पाए पाए तो हैं पनीर। देखो पीस कितने बड़े बड़े हैं। और ये देखो कुणाल भैया क्या कर रहे हैं। ये देखो हमारे राहुल भैया सबको सर्व हो गई है भाई। सारों को मिल गई है। ओ सबको मिल गई। गिट्टू भी रही है खाली। गिट्टू भैया रह गया हमारे। गिट्टू भैया को भी 2 यार जल्दी आ गया अभी पबजी खेल रहे। ये देखो भाई पनीर 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 भी पाउनो पीस करने। चलो यार जिन्हें पीस है सारे ही बाकी बंदों को पीस करके पाउनो कट लो यार। एक एक पाड़े रहे सारे क्लियर है या ब्रो? नहीं या समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और भंडारी सर भंडारे वाले होती तो भी खा ला के चेता करके सारे ब्रेड डाल देना प्लीज। कितनी मैं 2 बैठा था मोड़ मत रखो यार वो खाने के बाहर रब का नाम ला। हूं एक नंबर शादा इधर एक बड़े लड्डू वीर जी ते तुहानू किहो एक्सपीरियंस आ रहा खा के बड़ा नहीं रही है जी। तुस भी सुना दो भाजी। निर्मल आनंद वो क्या होता है कुणाल निर्मल बाबे से मिलता है निर्मल आनंद। तो गाइस अभी हमारे मैगी और ब्रेड फिनिश हो चुकी है और जो पनीर के पीस थे मस्त वाले वो भी खा लिए हैं। सबको आ रही है नींद। मैं थोड़ा काम करने लगा हूँ अभी। सामान गंद वगैरह जो भी है वो उठाते हैं सारा का सारा भाई। ये देखो भाई अभी भंडारी सर खा रहे हैं। चलो भाई इकट्ठा करो सारा कूड़ा करकट। अभी तुम सोचोगे कि ये क्यों नहीं उठा रहा हूँ। ये प्रगति के साथ मिक्स हो जाता है इसलिए हम इसको नहीं उठाने वाले हैं। मतलब वातावरण के साथ मिक्स हो जाता है।